हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू दी इस वीडियो दे विच अज आपां एक नवी सीरीज स्टार्ट करांगे, पंजाब सिविल सर्विस 2020 एग्जाम दे लई स्पैशल जीके सीरीज। यह सीरीज़ दा सितंबर 1 रहेगा, जिस दे विच आपां डिस्कस करांगे बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, इस दे विच जो भी फीचर्स ने ओह इंडिया ने किस किस देश तो बोरो कीतियां ने, सारे दियां सारियां आपां इस वीडियो दे माध्यम नाल डिटेल नाल जानांगे। क्योंकि PPSC के द्वारा कोई भी पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, उस दे विच घट्टो घट एक क्वेश्चन जिहड़ा इस बोरोइंग फीचर्स तो पूछा जाता है, इसलिए तुहाडे लई यह वीडियो जिहड़ी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगी। ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल शेयर करना है, ता कि जो भी स्टूडेंट्स PPSC की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हां तक यह वीडियो सीरीज़ पहुँच सके। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करदे हां बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला गल आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, इस दे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की कुछ लिया गया है, की कुछ बोरो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विचों। एक तो है सब तो पहला जुडिशरी, यानी जो भी इंडिया दे विच जुडिशरी सिस्टम है वह इंडिया ने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चो। उस तो बाद नैक्सट है एमरजेंसी प्रोविजनस, यानी जो भी एमरजेंसी प्रोविजनस ने वह इंडिया ने कितों बोरो कीतियां ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस तो बाद नैक्सट आती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ने वह इंडिया ने बोरो कीतियां ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नैक्सट आता है फैडरल स्कीम, फैडरल स्कीम भी इंडिया ने बोरो की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चो। उस तो बाद नैक्सट है ऑफिस ऑफ गवर्नर, तुहानू पता है एक स्टेट दे विच एक CM हुंदा है, एक गवर्नर हुंदा है। जो गवर्नर हुंदा है एक नॉमीनेशन पावर हुंदी है, बट जिहड़ा रियल पावर हुंदी है वह हुंदी है CM कोल। जो भी गवर्नर हुंदा है यह हुंदा है नॉमीनेशन पावर। इस तरह इंडिया दे विच, यानी पूरे देश दे विच, नेशन दे विच जो प्राइम मिनिस्टर हुंदा है यह रियल पावर हुंदा है, और जो प्रेजिडेंट हुंदा है यह हुंदा है नॉमीनेशन पावर। यानी इन्हां कोले कोई भी पावर नहीं हुंदी है जो राष्ट्रपति होंगे ने। इसी तरह स्टेट के विच हुंदा है गवर्नर, जिहड़ा रियल एग्जीक्यूटिव हुंदा है वह हुंदा है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, और किसी भी स्टेट के हुंदा है CM चीफ मिनिस्टर। जिहड़ा ऑफिस है गवर्नर का यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो बोरो किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट आता है पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन भी इंडिया ने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चो। सारे सारे यह फीचर्स इंपोर्टेंट ने, घट्टो घट एक क्वेश्चन जरा इस बोरिंग फीचर्स चो तो एग्जाम के पूछा जाएगा। मैं रिपीट कर देना हाँ, जुडिशरी सिस्टम, एमरजेंसी प्रोविजनस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, फैडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, यह सारी फीचर्स ने जिहड़ियां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो कीतियां गईयां ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे विचों। नैक्सट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑस्ट्रेलिया का जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उस दे विचों इंडिया ने की कुछ बोरो कीता है। सब तो पहला है कॉन्कूरेंट लिस्ट, कॉन्कूरेंट लिस्ट जी यह इंडिया ने कितों बोरो की है ऑस्ट्रेलिया। यह क्वेश्चन जरा पंजाब के वेरियस एग्जाम के पूछा जा चुका है कि कॉन्कूरेंट लिस्ट है जी यह इंडिया ने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो की है, वह है ऑस्ट्रेलिया। उस तो बाद नैक्सट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी बिजनेस कर दी जी आज़ादी है वह भी इंडिया ने बोरो की है ऑस्ट्रेलिया तो। उस तो बाद नैक्सट है कमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी आज़ादी है ट्रेड करन दी, कमर्स करन दी और इंटरकोर्स की, यह इंडिया ने कितों बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया तो। नैक्सट है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसिज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी दो हाउसिज होंगे ने, एक होंगे लोग सभा एक होंगे है राज्यसभा। इन्हों का जो दोनों का जॉइंट सैशन होंगे सीटिंग होंगे है, यह भी इंडिया ने इसका जो प्रोसैस है वह कितों बोरो किया है, यह भी इंडिया ने बोरो किया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिहड़ा कैनेडा का कॉन्स्टिट्यूशन है उस तो इंडिया ने बोरो किया है फैडरेशन विद द स्ट्रोंग सेंटर, फैडरेशन विद द स्ट्रोंग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, यानी रेजिड्यूरी पावर्स ने जिहड़ियां सेंटर दे विच, यह भी अपने इंडिया ने बोरो कीतियां ने कैनेडा की गवर्नमेंट तो। यानी कैनेडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस तो बोरो किया गया है वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। उस तो बाद नैक्सट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, यानी जो स्टेट गवर्नर होंगे ने इन्हों की जी अपॉइंटमेंट होंगी है वह सेंटर के द्वारा की जाती है। इसकी जो अपॉइंटमेंट का प्रोसैस है यह भी इंडिया ने किस तो बोरो किया है, यह भी इंडिया ने बोरो किया है कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन तो। नैक्सट है एडवाइजरी जूरिस्ट्रिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जी एडवाइजरी जूरिस्ट्रिक्शन होंगी है यह भी इंडिया ने कितों बोरो की है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो। फैडरल फैडरेशन विद द स्ट्रोंग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी ज्यूरिस्ट्रिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यह चार फीचर्स ने जिहड़ियां यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो की गई ने कैनेडा के कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिहड़ा आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है इसनों ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलया जाता है, ईरिश
कॉन्स्टिट्यूशन बोलिया जाता, इसनों नाम दिता जाता है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन नू। इस तो आपने बोरो किया है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के, यह इंडिया ने बोरो किया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो। और DPSP का जो आर्टिकल है वह भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के, इसका जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 36-51 36-51। ये आर्टिकल जो है यह बिलोंग करता है DPSP। नैक्सट है नॉमीनेशन ऑफ मैंबरस टू द राज्यसभा, यानी जो राज्यसभा के मैंबर होंगे ने इन्हों के जी नॉमीनेशन की जाती है प्रेजिडेंट के द्वारा, यह भी प्रोसैस है जरा कितों बोरो किया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट है मैथड ऑफ इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट, यानी प्रेजिडेंट होंगे जो राष्ट्रपति, इसका जरा इलैक्शन का प्रोसैस होंगे मैथड होंगे, यह भी इंडिया ने बोरो किया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट है जापान, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने इंडिया ने बोरो किया है प्रोसीजर एसटैबलिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एसटैबलिश्ड बाय लॉ काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के, यह इंडिया ने बोरो किया है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट है सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी USSR का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसनों करंट टाइम से नाम दिता जाता है रशिया, यानी USSR है जो पहला USSR से सोवियत यूनियन बोलया जाता है इसनों, बट बाद दे विच इसनों नाम दिता गया रशिया। इस तो इंडिया ने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने जड़िया इस दे लिए आर्टिकल है 51A। काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आर्टिकल है वो केड़ा है, वो है आर्टिकल 51A। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने इसनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच दाखिल करने के लिए इंडिया के विच किस कमेटी ने रिकमेंड किया, सवर्ण सिंह मेहता कमेटी, स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी सी जी, इस दे द्वारा रिकमेंड किया गया सी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए ने, यह इंडिया ने बोरो कीतियां ने रशिया के विचों, यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के विचों। उस तो बाद नैक्सट है आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलीटिकल इन द प्रैम्बल, यानी जो अपना प्रैम्बल है इस दे विच जो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलीटिकल है, यह अपने इंडिया ने बोरो किया है सोवियत यूनियन तो, यानी रशिया तो। उस तो बाद नैक्सट है 5-year प्लैनज, जो 5-year प्लैनज ने यह भी इंडिया ने कितों बोरो किए ने सोवियत यूनियन यानी रशिया के। यह तीन बोरिंग फीचर्स ने जो अपने इंडिया ने बोरो कीतिया ने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट आता है यूनाइटेड स्टेट्स, USA तो इंडिया ने बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स, यानी जेडे अपने मौलिक अधिकार ने फंडामेंटल राइट्स, यह अपने इंडिया ने बोरो किए ने यूनाइटेड स्टेट्स तो। नैक्सट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जो जुडिशरी सिस्टम है इसकी जी इंडिपेंडेंस है स्वतंत्रता है यह जुडिशरी सिस्टम, यह इंडिया ने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो। नैक्सट है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू यह भी इंडिया ने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट्स तो। नैक्सट है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, यानी प्रेजिडेंट की इंपीचमेंट करना इसका जो प्रोसैस वगैरह है सारा सारा इंडिया ने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो। नैक्सट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होंगे ने इन्हों का जो रिमूवल प्रोसैस है यह भी इंडिया ने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो, USA तो, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। नैक्सट है वाइस प्रेजिडेंट की जी पोस्ट है यह भी इंडिया ने बोरो की है कितों की है USA के कॉन्स्टिट्यूशन के, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट। नैक्सट आता है यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी UK का कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने इंडिया ने बोरो किया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट जी सरकार है गवर्नमेंट है यह इंडिया ने बोरो की है UK के कॉन्स्टिट्यूशन तो। नैक्सट है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ बोरो किया है UK के कॉन्स्टिट्यूशन तो। नैक्सट है लैजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी लैजिस्लेटिव प्रोसीजर है जरा यह इंडिया ने बोरो किया है UK के कॉन्स्टिट्यूशन। नैक्सट है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है जी यह काफ़ी एग्जाम के पूछा जा चुका है, PCSE एग्जाम के भी पूछा जा चुका है, जो हरियाणा PCSE एग्जाम होया सी उस दे विच यह क्वेश्चन पूछा गया सी कि सिंगल सिटीजनशिप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो है यह किस कंट्री तो बोरो किया है, उसका आंसर सी UK यूनाइटेड किंगडम। नैक्सट है कैबिनेट सिस्टम, जो कैबिनेट सिस्टम है यह भी इंडिया ने बोरो किया है UK के कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट है प्रेरोगेटिव रिट्स, यानी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के जी रिट्स ने हैबियस कॉर्पस मैंडेमस सरसरी यह सारिया रिट्स ने जीडिया यह इंडिया ने बोरो कीतिया ने UK के कॉन्स्टिट्यूशन के, UK कॉन्स्टिट्यूशन के, यह भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम के प्रेरोगेटिव रिट्स। नैक्सट है पार्लियामेंट्री प्रीविलेजस, पार्लियामेंट्री प्रीविलेजस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो कीती गई ने UK के कॉन्स्टिट्यूशन के, UK के कॉन्स्टिट्यूशन के बोरो कीती गई ने पार्लियामेंट्री प्रीविलेजस। नैक्सट है बायकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म सिस्टम है जरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यह भी अपने बोरो किया है UK के कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है जरा इसनों एक होर नाम दिता जाता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे पूछा जाए थोड़े तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन बारे जा अगर गल की जाए वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, गल एक ही है क्योंकि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिता जाता है
विमर कॉन्स्टिट्यूशन। विमर कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया ने बोरो किया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, यानी जिहड़े मौलिक अधिकार ने इन्हों सस्पेंशन करना, सस्पेंस कर देना ड्यूरिंग एमरजेंसी। यह इंडिया ने बोरो किया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन के विचों, यानी विमर कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरो किया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। नैक्सट है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया ने बोरो किया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भी अमेंडमेंट करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच, इसका आर्टिकल काफ़ी पुछते हैं एग्जाम के अमेंडमेंट करने के लिए, जो आर्टिकल इंडिया का वह है 368 आर्टिकल है जरा यह रिलेटड है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटड। इसका जो प्रोसीजर है किस तरह अपने अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के विच, इसका जो प्रोसीजर है इंडिया ने बोरो किया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के विचों। नैक्सट है इलैक्शन ऑफ मैंबरस ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के जो मैंबरस होंगे ने इन्हों इलैक्शन होंगी जी, इसका जो प्रोसैस वगैरह होंगे है वह इंडिया ने बोरो किया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के विचों। इस तो इलावा जो वन थर्ड मैंबर होंगे ने हर दो साल बाद जोड़े ये रिटायर किए जाते हैं राज्यसभा के विचों। अपन पूछा जाता है किन्ने मैंबर रिटायर किए जाते हैं, ये किए जाते हैं वन थर्ड हर दो साल के बाद किए जाते हैं। और राज्यसभा के जो मैंबर होंगे ने इन जो समय होंगे वह होंगे छे साल का टाइम पीरियड होंगे है। और जी राज्यसभा है इसनों परमानेंट हाउस भी बोलया जाता है, जिसनों डिजोल्व नहीं किया जा सकता राज्यसभा। इस तो इलावा जो लोग सभा होंगी है इसनों यह लोग सभा जी इन को मेन पावर होंगी है लोग सभा को, और जोड़ा लोग सभा होंगे इसका एक स्पीकर भी होंगे। कि तुम मैं कमेंट बॉक्स के लोग सभा के स्पीकर ने जोड़े उन्हों का नाम लिख के दस सकते हो। जी लोग सभा होंगी है यह हर 5 साल बाद डिजोल्व की जाती है, 5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर के इलैक्शन करवाए जाते हैं। नैक्सट है फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के विचों इंडिया ने बोरो किया है जो रिपब्लिक, आप रिपब्लिक जिहड़ा वर्ड यूज़ करते हैं इसका जो कंसैप्ट सी यह इंडिया ने बोरो किया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के विचों, कंसैप्ट ऑफ रिपब्लिक। नैक्सट है आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटरनिटी प्रैम्बल, यानी प्रैम्बल है जरा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इस जो लिबर्टी इक्वैलिटी और फ्रैटरनिटी है जो है यह इंडिया ने बोरो किया है, इसका जरा विचार से यह इंडिया ने बोरो किया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के विचों, यानी कॉन्सैप्ट ऑफ रिपब्लिक और आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी इक्वैलिटी एंड फ्रैटरनिटी इन द प्रैम्बल, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के विचों। सो यह सारी सारी बोरोंग फीचर्स जो आपने काफ़ी डिटेल कवर करने की कोशिश की है। जेकर तुहानू यह वीडियो वधिया लगी हो और यह लैक्चर सीरीज़ वधिया लगी हो, यह लैक्चर सीरीज़ तुहाडे PCS एग्जाम नू डेडिकेटड होएगा, मेनली तुहाडे PCS एग्जाम नू दिमाग दे विच रख के यह सीरीज़ जिहड़ी तैयार की जाएगी। जेकर तुसी इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो साडा चैनल बनया हुआ है पंजाब IQ के नाम के उपर, पंजाब IQ के नाम के उपर टैलीग्राम चैनल बनया हुआ है, उसनों ज्वाइन कर लेना है। डेली बेसिस से तुहानू लैक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे इस PCS एग्जाम के लिए, उसनों ज्वाइन करो, वो तो तुहानू सारी दी सारी जो PDFs ने डायरैक्ट लिंक मिल जाएंगे, वो तो तुसी डायरैक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डेली तुहानू एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी इस GK के रिलेटड, जो भी पब्लिक पंजाब सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 2020 के एग्जाम के लिए जो भी इंपोर्टेंट फीचर्स वगैरह होंगे वो सारी सारिया आप इस सीरीज़ के डिस्कस करांगे। उस तो बाद हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह भी आप डिस्कस करांगे इस सीरीज़ के, इसलिए तुहाडा एक काम है बस ज़्यादा तो ज़्यादा इस सीरीज़ में अपने फ्रेंड तक शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स PPSC की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें तक यह वीडियो पहुँच सके। PPSC के द्वारा तुहानू पता है PCS 2020 का एग्जाम कंडक्ट करवाना है, उस तो बाद हैडमास्टर BPO वगैरह के पेपर भी कंडक्ट करवाने ने, इसलिए यह सीरीज़ जी थोड़ी BPO प्रिंसीपल हैडमास्टर या फिर फंक्शनल मैनेजर सारे एग्जाम के लिए यह जी सीरीज़ है तुहाडे लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए ज़्यादा तो ज़्यादा इस सीरीज़ में अपने फ्रेंड नाल शेयर जरूर करो। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही मिलता है नैक्सट वीडियो में, जेकर तुहानू यह वीडियो वधिया लगी हो तो इस चैनल में सबसक्राइब जरूर करो, ताकि इस तरह की डिटेल के लेटैसट वीडियोज़ होनगियां टाइम टू टाइम मिलती रहन और तुसी कोई भी वीडियो जी मिस ना कर सको, इसलिए तुसी इस चैनल को सबसक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही मिलता है नैक्सट वीडियो में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लैस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग पंजाब IQ।